हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज मैं इसमें बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आपको बताने जा रही हूं, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी होती है। तो आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया और इसे इस पैन में डाला है। अब इसके अंदर कुछ मसालों के साथ मैं इस कीमे को उबाल कर पका लूँगी। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटन के कीमे को गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें पानी होना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। तो अब मैं इसे बॉईल करने रखूँगी। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं इसे ढककर स्लो के ऊपर 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी। ये मैंने पकने चढ़ा दिया है, स्लो कुकर कुक करूँगी 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक करूँगी मैं। ये देखिए 10 मिनट तक हो गए और कीमा मेरा गल चुका है। तो अब मैं इसमें का जो पानी है उसे अच्छी तरीके से आँच तेज़ करके चला चला के सुखा लूँगी। इसे चला चला के सुखाना है, थोड़ा रुक रुक के चलाना है, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा कीमा, तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से इसे सुखाना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और छुन छुन की आवाज़ आने लगनी। ये देखिए छुन छुन की आवाज़ आने लगी है और पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब मैंने इसे ठंडा कर लिया और अब मैं इसे पीस लूँगी। मेरे पास न्यूट्रीब्लेंड का छोटा जार है, आपके पास जो भी मिक्सी हो उसमें डालकर पीस लें। तो ये छोटा जार है इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर पीसूँगी, आपके पास बड़ा जार हो तो एक साथ भी पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा पीस लिया है, पीस के निकाल लिया है। अब मैं इसे फिर से सौटे करूँगी कुछ दूसरे मसालों के साथ। ये स्टफिंग बहुत टेस्टी होती है और इन गिफ्ट रैप्स के अंदर बहुत बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बारीक पीस दिया है एकदम, और देखिए बिल्कुल बारीक पीसने के बाद भी उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, वो पेस्ट जैसा नहीं हुआ है। तो मैंने पैन को गर्म कर दिया, क्योंकि मुझे इसे कुछ मसालों के साथ सौटे करना है। तो थोड़ा सा 2 चाय का चम्मच जितना तेल मैंने इसमें डाल दिया और इसके अंदर मैं डालूंगी ये पिसा हुआ कीमा, और इस कीमे को इस अब तेज़ आंच के ऊपर ऐसे हल्का हल्का भूनूंगी, क्योंकि वो उबला हुआ कीमा है तो थोड़ा भूनना चाहिए। इसमें डालूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काटे हुए, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। हरी मिर्चें बारीक काटी हैं 3-4, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें डालें। और इसे कीमे को और मिर्ची को और प्याज को एक साथ मिलाकर चलाते हुए ऐसे चलाकर पकाएं कि वो जो प्याज उसके अंदर डली है वो हल्की हल्की सौटे हो जाए। बहुत ज़्यादा उसे नहीं पकाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पक चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद की कुछ सब्जियां भी बारीक काटकर मिला सकते हैं। जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो बारीक काट कर थोड़ा ब्लांच करके आप मिला सकते हैं। ये मेरा बन के तैयार हो गया है। तो मैं अब बिल्कुल तैयार होने पर इसमें मैंने 1 कप बारीक कटी हुई धनिया डाल दी है। आप चाहें तो हरी प्याज मींस स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी बिल्कुल बारीक कतर के इसमें मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बन के तैयार हो गया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं बनाऊँगी ये गिफ्ट रैप्स बनाने के लिए इसका आटा तैयार करूँगी। तो मैंने मैदा लिया है इसके लिए, 2 कप मैदा लिया है, 1 कप मैदा थाली में है और 1 कप और मैंने डाला। तो अब इसे मैं गूंधूंगी। गूंधने से पहले मुझे इसे खस्ता करना है, खस्ता करना मीन्स मोयन देना है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ये थोड़ा सा सोडा, बिल्कुल चुटकी से इस तरीके से, और नमक 1 चम्मच के जितना डाला है, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, प्योर घी डाल सकते हैं। और अब इस तेल, नमक और सोडे को मैं इस आटे में अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये मेरे हाथ पे थोड़ा सा जल गया है, ये मेरे ही हाथ है। बहुत बार लोग मेरे हाथ चूड़ियाँ या घड़ी चेंज करती हूँ तो पहचान नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे ही हाथ है। और इसे ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस आटे को मैं अच्छी तरीके से
मैश करूँगी, उससे वो ऑयल, नमक और सोडा उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स होने की पहचान ये है कि जब मैं इसे लड्डू की तरह बनाऊँगी तो ये ऐसे लड्डू की तरह बन जाएगा, बंध जाएगा लड्डू की तरह। तो समझो कि अब इसके अंदर ऑयल वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लूँगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसलिए गूंदना है क्योंकि इसे हार्ड गूंदना है। मैंने ये एक कप पानी लिया और मैंने अब इसे गूंदना शुरू किया है, देखते हैं कितना पानी लगता है। मेरे ख्याल में आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा, ये कप मेरा एक गिलास के बराबर है। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैं इसे बहुत अच्छे से फर्मेंट होने तक गूंदूंगी। 6-7 मिनट तक मैं इसे गूंदूंगी जब तक कि वो आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से चिकना हो जाए और चारों तरफ जितना आटा लगा हुआ है, मेरी उंगलियों में लगा है, सब एक जगह आ जाए। अब ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरीके से गूंद के तैयार है और कड़क आटा गूंदा है। इसके अंदर देखिए इतना पानी बचा हुआ है, मीन्स 1.25 गिलास पानी इसके अंदर लगा है, 2 कप मैदे के अंदर। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद इससे हम बनाएंगे मटन गिफ्ट रैप्स। तो इसका, इस आटे में से मैं इतनी सी एक लोई की जितनी निकाल लूँगी और इसमें डालूँगी मैं रेड कलर। एक बूंद पानी डालूँगी, पाउडर रेड कलर है इसलिए, अगर आपका लिक्विड रेड कलर है तो आप पानी ना डालें। और आप जो भी कलर चाहें वो मिला सकते हैं, ग्रीन, येलो, जो भी कलर आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, मैंने रेड मिलाया है। अब हाथों को मैं धो लूँगी और मैं इस आटे की ऐसी लोइयाँ छोटी छोटी निकाल लूँगी, तोड़ लूँगी लोइयाँ। ये सारी लोइयाँ मैंने बना ली, 10-12 लोइयाँ बनी हैं। लोई का साइज़ देखिए मेरी मेहंदी के अंदर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैंने कितनी बड़ी लोइयाँ बनाई हैं। अब मैं पटला ले लूँगी और इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर इसे बेलूँगी, बिल्कुल बारीक बेलूँगी मैं, बड़ी सी रोटी के बराबर बेलूँगी, मीन्स 6 से 7 इंच का के डायमीटर में। ये देखिए इतनी पतली सी, आटा कड़क है तो इतनी पतली बेलने में कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से बेल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बीचों बीच में रखूँगी ये फिलिंग और मैं इसे 1, 2 थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर थर्ड और फोर्थ फोल्ड को मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। और इसी तरीके से मैं सारे रैप्स बना लिए मैंने। अब मैं वो लाल वाली लोई ली मैंने और अब मैं उसे भी बेलूंगी, उसकी भी बड़ी सी पतली सी रोटी बेलूंगी मैं। और देखिए मैं इससे क्या करने जा रही हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी रोटी मैंने बेल ली। आप देखिए 2 mm से ज़्यादा मोटी नहीं है ये, तो अब मैं इसे ऐसे पतली पतली पट्टियाँ काट लूँगी इसमें से। इस तरीके से मैंने एक ये रख दिया स्टैपिला और इसकी मदद से मैं इसमें से सारी एक साइज़ की काट लूँगी। ये देखिए मैंने एक साइज़ की सारी पट्टियाँ काट ली हैं। अब इन पट्टियों का यूज़ मुझे कैसे करना है वो देखिए। मैंने ली एक पॉकेट को लिया, पॉकेट नहीं सॉरी रैप को लिया, उसके पट्टी ली एक और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊँगी और अब इसे मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी, मीन्स चिपका दूँगी। मीन्स जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं रिबन से, वैसे वो ये रिबन्स कट गए हैं और इस रिबन से मैं ऐसे इस तरीके से रैप कर दूंगी, मीन्स सजा दूंगी। तो ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट रैप्स बन के तैयार है। मटन मैंने इसके अंदर डाला है तो इस वजह से इसका नाम मैंने मटन गिफ्ट रैप रखा है। ये देखिए इसके ऊपर फिर से पानी लगाऊंगी, दूसरे पे भी। ध्यान से देखिएगा इसे मैं कैसे चिपकाती हूँ। आप जिस तरीके से भी चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं, मींस रिबिन से, आटे की रिबिन से। इसे भी लगा दिया और इस तरीके से मैं इसे भी चिपका दूँगी और इसी तरीके से मैं सारे गिफ्ट रैप्स को तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे सारे गिफ्ट रैप्स तैयार हो गए, लेकिन मुझे आज इसे नहीं बना, ये मैंने एक फ्लावर चिपकाया है क्योंकि ये मेरे छोटे बच्चे का है तो ये मैंने पहचान के लिए लगाया है। अब मैं, मुझे आज ये फ्राई नहीं करना है तो मुझे इसे कल फ्राई करना है, तो मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर इसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सूखा आटा छिड़क के सबको इसके ऊपर रखती जाऊँगी और बीच बीच में एक एक लेयर के बीच में इस तरीके से मैं ये फॉइल लगा दूंगी और मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। अगर आपको एक हफ्ते के बाद यूज़ करना है तो आप फ्रीज़र में रखें। और ये देखिए
ये मैंने कल 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कल रैप करके रखे थे और आज ये देखिए ऐसे हैं। अब आज मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, सिंपली इन्हें डीप फ्राई करना है बिल्कुल उस तरीके से जैसे समोसे फ्राई किए जाते हैं। तो मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करूँगी और एट अ टाइम इतने ही डालूँगी जो आसानी से उसके अंदर मूव हो सकें। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत बार लोग कहते हैं कि उनका समोसा नरम पड़ जाता है तो उसकी वजह यही होती है कि ओवर क्राउडेड करके वो फ्राई करते हैं। ओवर क्राउडेड करके फ्राई ना करें। देखिए मैंने 4 पीस डाले मेरे पैन के अंदर, मेरे पैन की कैपेसिटी 2.5 लीटर है। अच्छे से लाइट गोल्डन फ्राई होने तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो आप जब भी बनाएं इस तो इसके फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे FB के पेज पर ज़रूर डालें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग ये डिश बनाकर डालेंगे। ये डिश यूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बना, जल्दी जल्दी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक बार में बनाकर फ्रीज़र में इसे रखा जा सकता है और जब चाहे तब उन्हें निकाल कर फ्राई किया जा सकता है। तो वो भी खाने वालों को ऐसा लगेगा कि अरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश और आपने इतनी जल्दी बना ली। तो ये देखिए मैंने सारे बनाकर कंप्लीट कर लिए, फ्राई कर लिए, मैं इन्हें मेयोनीज डिप के साथ में सर्व करने जा रही हूँ। तो वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।